तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या हम किसी को अपने आप को मिस करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्या हम किसी को अपनी याद दिला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और कई लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करके, इन टूल्स को इस्तेमाल करके ये काम कर चुके हैं और आप भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है वो पॉइंट्स, मैं वो आपको बता दूं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं एक बात कि याद रखिएगा कि वो पेड़ ज्यादा जल्दी काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। मेरा कहने का मतलब समझे, जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उन्हें जल्दी नहीं काटा जाता, लेकिन जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं उन पेड़ों की कटाई जल्दी की जाती है, क्योंकि उनके सीधेपन के कारण ही उनका यूज अच्छा किया जा सकता है, इस्तेमाल अच्छा किया जा सकता है। तो आप भी अपनी लाइफ में सीधे बन के रहिए, सीधे हो के रहिए, लेकिन इतने भी सीधे मत हो जाइए कि आपको जल्दी काट दिया जाए। बेसिकली मेरा इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था कि हमेशा चालाक ना बने लेकिन स्मार्ट जरूर बने। तो आप ये टूल्स ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप किसी भी अपने गए हुए एक्स पार्टनर को या किसी भी व्यक्ति को ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे इस बात का एहसास करा सकते हैं कि वो आपको मिस करने लगे, वो आपको याद करने लगे। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, आपको किसी चीज की याद क्यों आएगी और कब आएगी? वो तब आएगी जब आप उससे दूर हो जाएंगे। और आप तो हमेशा अपने एक्स पार्टनर को आज भी याद करके हमेशा उसके लिए अवेलेबल बने हुए हैं, तो आपका एक्स पार्टनर आपको मिस क्यों करेगा? आप अपनी जगह रह के सोचिए ना, जो चीज आपसे दूर होगी आपका एक्स पार्टनर या जिसको भी आप चाहते हैं कि आपको याद करे, वो आज आपके साथ नहीं है, आपसे दूर है, इसीलिए तो आप उसको याद कर रहे हैं। क्या इतना याद आपने साथ रहते हुए किया था? नहीं किया। इसी तरह आपका एक्स पार्टनर आपको क्यों याद करे, क्यों मिस करेगा? तो आपको दूरी मेंटेन करनी होगी, फासला बनाना होगा। और जैसे ही आप ये फासला बनाएंगे, इमीडिएटली इफेक्ट से, इमीडिएट एक्शन से आप तुरंत उससे दूर हो जाइए, अलग हो जाइए, उसकी तरफ देखना बंद करिए, उससे मिलना बंद करिए, उसका पीछा करना बंद करिए, उसको चेस करना बंद करिए, दूर हो जाइए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से अपने डीपी स्टेटस बंद कर दीजिए इनको लगाना। पॉइंट नंबर 2, जब लोग नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करते हैं तो वो अक्सर सैड डीपी, सैड स्टेटस लगाते हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं सैड सॉन्ग से कि मैं आज भी तुम्हारे बिना अकेला हूं, अधूरा हूं, परेशान हूं, काश तुम लौट आते, काश हम और साथ में रहते, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश काश में मत जी, काश बर्बाद कर देता है लोगों। एग्जाम्पल देता हूं आपको, उसने मेरे बारे में ये कहा, आपने सुना? नहीं, उसने किसी और से, उसने सुना? नहीं, उससे भी किसी और ने कहा। और आपने ये एजम्पशन करके किसने क्या कहा था या नहीं कहा था इसकी जड़ पे तो गए ही नहीं, और आपने अपने डिसीजंस ले लिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने भी इसी तरह डिसीजंस ले लिए कि आपने कुछ कहा या आपने कुछ रिएक्ट किया, उसने किसी और से सुना और उसने भी किसी और से सुना और आपके पार्टनर ने भी किसी और से सुना। तो एजम्पशंस पे लाइफ डिस्टर्ब करने से अच्छा है नो कॉन्टेक्ट रूल को अपनाइए, इतने सीधे मत बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, चीजों को अपने आप से दूर करिए। जैसे ही आप गायब होंगे आपका पार्टनर आपको मिस करेगा, क्योंकि आप अब उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बता ही दी कि आपको सैड डीपी, सैड स्टेटस, सैड सॉन्ग्स नहीं लगाने हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, आपको गायब हो जाना है। तीसरी चीज, इस ड्यूरेशन पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप चूंकि अभी तक अपना पूरा समय अपने एक्स पार्टनर को या फिर एक्स गर्लफ्रेंड को या फिर एक्स बॉयफ्रेंड को दे रहे थे या फिर ऐसे व्यक्ति को दे रहे थे जिससे आपका बहुत बातें हो रहा था और आपका बचा हुआ टाइम सिर्फ उसके लिए था, और अब अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपका बहुत सारा टाइम बच गया। ऐसा टाइम बच गया कि आप उस टाइम को लेके अब इस बात की चिंता में हैं कि इस खाली समय में हम क्या करें। तो आपके पास केवल दो ही तरीके हैं, या तो
आप अपना वो समय अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में लगा दीजिए, और या तो उस टाइम को बर्बाद करिए, और जैसा वो जिस हालत में छोड़ के गया था बिना किसी इम्प्रूवमेंट के, आप आज भी उसी हालत में रहें, तो आपको मालूम है दूसरा नंबर का रास्ता तो गलत है। आपको समय को यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए होता क्या है, बड़ा इसको देखिए टिपिकल तरीके से किसी भी चीज को मत समझिए। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस करने की लगन आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझिए कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के गया था और वो आपकी सैड डीपी स्टेटस देखेगा तो वो तो यही सोचेगा अच्छा हुआ मैं छोड़ के गया, ये इसी लायक है, किसी काम का नहीं है, इसकी आज ये जो हालत है ये मेरी वजह से है, और ये था ही ऐसा या थी ही ऐसी, तो इसको इसके हाल पे छोड़ो। रोते चीखते चिल्लाते हुए इंसान के पास, अनहैप्पी इंसान के पास कोई नहीं जाना चाहता। आप भी किसी ऐसे इंसान से जुड़ना चाहोगे, उसके पास जाना पसंद करोगे जो दुखी हो, उदास हो? लेकिन आपने तो अपने आप को इसी तरह बना रखा है, तो आपका एक्स पार्टनर आपके पास क्यों वापस आएगा, क्यों आपको मिस करेगा? तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान आपको 30 से 45 दिन के लिए गायब रहना है। मैंने कई वीडियो बनाई हैं, आप चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है उनको देख सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट रूल को आप कैसे फॉलो करना है, सारी वीडियोज आपको वहां मिल जाएंगी, उनको देखिए सुनिए और समझिए। तो नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान पे आपको, जैसे ही आप नो कॉन्टेक्ट रूल की ड्यूरेशन पूरी करेंगे, आपको हैप्पी वाली स्टेटस लगानी है, इंजॉय करने वाली डीपी लगानी है, स्टेटस बड़े खुशनुमा लगाने हैं, और ऐसा शो ऑफ करना है कि आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा वहां फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। हम जिंदगी में जिस चीज के पीछे भागते हैं वो चीज हमें कभी नहीं मिलती, लेकिन जिन चीजों के पीछे हम भागना बंद कर देते हैं वो चीजें हमारे पीछे आने लगती हैं। बचपन में आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते थे तो चंदा मामा हमेशा आपकी अपोजिट डायरेक्शन पे होते थे, और अगर आप चंदा मामा के अपोजिट चला रहे हो साइकिल तो वो आपके पीछे आते थे, अगर आप चंदा मामा की डायरेक्शन पे चला रहे थे साइकिल तो वो आपसे दूर जा रहे थे। तो ये बचपन की सीख से ही समझ जाइए कि आप जिस चीज के जितना करीब जाने की कोशिश करेंगे वो चीज आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी, लेकिन आप जैसे ही चीजों से दूरी बनाना चालू करेंगे चीजें रिवर्स होके आपके पास वापस आने लगेंगी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे काम करना है, और मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस दी हैं जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा डेली बेसिस में ऐसे ही कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हमेशा मदद करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दिखाइए। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जो नया है जो बाकी व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, उनके नॉलेज को बढ़ा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।